नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरवन कुमार और आप देख रहे हैं जानकारी टुडे। जाट मूल रूप से उत्तर भारत और पाकिस्तान में पाया जाने वाला पारंपरिक रूप से कृषकों का एक जाति समुदाय है। इनका इतिहास स्वर्णिम और प्राचीन है। यह एक आदिकालीन प्राचीनतम क्षत्रिय वर्ग है। यह शारीरिक रूप से मजबूत और आकर्षक तथा स्वभाव से उत्साही, मेहनती, बेबाक, अखर, स्पष्टवादी, साहसी और दबंग होते हैं। जाट एक प्रमुख कृषक समुदाय है जो अपनी जमीन के मालिक होते हैं। उन्हें 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर के शासनकाल से ही जमींदारों के रूप में जाना जाता है। निष्कपटता, सत्य निष्ठा और ईमानदारी जाटों का सहज गुण है। जाटों के चरित्र के बारे में कहा जाता है कि जाट मरते समय अपने उत्तराधिकारी को यह बताकर मरता है कि किस किस का कितना कर्ज चुकाना है। आइए जानते हैं जाटों का इतिहास, जाट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। पंजाब और हरियाणा में जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि ये सामान्य वर्ग में आते हैं। साल 2016 में जाटों ने अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन किया था। हालांकि 2016 के आंदोलन से पहले इन्हें 7 राज्यों में ओबीसी का दर्जा मिल चुका था। वे 7 राज्य हैं: दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि राजस्थान के 2 जिलों भरतपुर और धौलपुर में जाटों को ओबीसी सूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पहले जाट राजाओं का शासन था। इन 2 जिलों को छोड़कर जाट राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण के हकदार हैं। भारत में जातिगत जनगणना की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसी जाति के सटीक जनसंख्या के बारे में बताना कठिन है। प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक वर्ष 2012 में भारत में जाटों की संख्या 8.25 करोड़ की थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में जाटों की जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास हो सकती है। विभिन्न राज्यों में जाटों की जनसंख्या इस प्रकार है: पंजाब में जाट 30-35% है, जबकि हरियाणा में इनकी आबादी 27% है। राजस्थान में इनकी जनसंख्या करीब 12%, उत्तर प्रदेश में 6-8% और दिल्ली में लगभग 8% है। पंजाब में इन्हें जट या जाट कहा जाता है, शेष राज्यों में इन्हें जाट कहा जाता है। गुजरात में अंजना जाट या अंजना चौधरी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में जाट विशेष रूप से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रांत में पाए जाते हैं। गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान पाक, अधिकृत कश्मीर आदि में इनकी सघन आबादी है। जाट मूल रूप से हिंदुओं की जाति या समुदाय है। जाटों की धार्मिक पहचान कैसे विकसित हुई, इसके बारे में इतिहासकार कैथरीन असर और सीथिया टेलबोट ने विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में बसने से पहले जाटों का मुख्य धारा के अन्य धर्मों से बहुत कम संपर्क था। अन्य धर्मों के संपर्क में आने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र के प्रमुख धर्म को अपनाना शुरू कर दिया है जिनके बीच वह रहते थे। समय के साथ जाट मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब में मुस्लिम, पूर्वी पंजाब में सिख और दिल्ली और आगरा के बीच रहने वाले जाट हिंदू बन गए। शोधकर्ता डेरिक ओ लॉन्ड्रिक ने जाटों के धर्म के आधार पर विभाजन का अनुमान इस प्रकार लगाया: 47% हिंदू, 33% मुस्लिम और 20% सिख।